आज का दिन दोस्तों पहले ही भागदौड़ी से स्टार्ट होता है, तो चलो फौजन उठाते हैं, फटाफट गलियों को पार करते हैं और आखिरकार कहां पहुंचना है भाई? शालीमार बाग पहुंचना है अपने साले जी के यहां पे। चलो टाइम से तो पहुंच गए हैं, अब चलते हैं ऊपर, लिफ्ट को नीचे बुलाओ, थर्ड फ्लोर दबाओ। और उसके बाद में क्यों पहुंचे हैं? अरे भाई, पंडित जी और पंडिताइन जी का भोजन आज था वहां पर, तो कुछ इसी तरीके से बीता आज का ये दिन हंसी मजाक के थ्रू। तो चलो आओ आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेके प्रभु का नाम। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव, जय माता दी। भाई एक और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और आपका हमारे चैनल में दोबारा से फिर से स्वागत है। इस टाइम पे कहां जा रहे हैं? इस टाइम पे पहले बिटिया रानी को स्कूल पे छोड़ेंगे, उसके बाद में साले साहब के वहां पे ना पंडित जी सुबह के ब्रेकफास्ट पे आ रहे हैं, जैसे कि पंडित जमाना होता है वो चीज हो रही है, तो वहां पे जाएंगे, फिर वहां पे सारा कुछ निपटा के काम, उसके बाद में फिर बिटिया रानी को स्कूल से लेके फिर वापसी, थोड़ा दो चार काम और हैं वो सब करके फिर घर पे आएंगे। तो इस टाइम पे चल लेते हैं। पंच तो गैराज में खड़ी हुई है और फॉर्चुनर नीचे खड़ी है, तो फॉर्चुनर को एक बार घुमा लेते हैं, पूरा यू टर्न कर लेते हैं और उसके बाद में फिर चलते हैं फटाफट, जल्दी चल लेते हैं यार, टाइम हो गया है, 7:45 हो गए हैं, वैसे निकल जाते थे इस टाइम तक। चलो चलते हैं, कोई बात नहीं। लो जी, आज का अपना शानदार सफर स्टार्ट हो चुका है। पहले इन छोटी मोटी गलियों से बाहर निकाल लेते हैं गाड़ी को और उसके बाद में फिर आपके साथ अच्छे से वार्तालाप करते हैं। चलो जी, गुड़िया रानी को स्कूल में छोड़ दिया है, अब अपना गाड़ी लेते हैं और फिर आगे का सफर कंटिन्यू करते हैं। इस टाइम पे ना अपने को टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा कम से कम आधा घंटा वहाँ पे पहुँचने में, और घड़ी में मैं अगर टाइम देखूँ तो 8:10 हो रहे हैं। 8:30 मेरे ख्याल से पंडित जी आ जाएंगे, पंडिताइन जी आ जाएंगे, क्योंकि उनको जो है ना 10:00 किसी का बान है तो वहाँ पे भी जाना है, तो 9:00 उनके पास में सुबह का ब्रेकफास्ट करने के लिए आ रही हैं। तो चलो चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, हाँ जी, और अपना वही नॉर्मल रूटीन वाला रास्ता लेते हैं, क्योंकि इस टाइम पे ना सारा खाली पड़ा होगा तो मुझे GPS भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो चलते हैं जी। इस रेड लाइट के पास में ये वाली जो बिल्डिंग है ना, काफ़ी टाइम हो गया इसको मुझे इसी तरीके से देखते हुए, वाइट वॉश हो रखा है, विंडोज वगैरह नहीं लगे हुए, मतलब लग तो ऐसा है कमर्शियल टाइप की, पता नहीं इतना टाइम हो गया, 1-1.5 साल तो मेरे को हो गया होगा देखते हुए, बट ये बिल्डिंग ऐसी ही पड़ी हुई है, क्या दिक्कत हो रही क्या नहीं भाई पता नहीं है। चलो कितना टाइम रह गया है? अब आपका रह गया है 68 सेकेंड्स। तो चलो फिर चलते हैं, अपना मौज मस्ती करते हैं। और भाई सुबह तो इस टाइम पे तो देखो ज़्यादा कुछ भूख नहीं लगी, वहाँ पे जो ज़्यादा कुछ तो हम नहीं खाएंगे, कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स वगैरह ले लेंगे, ठीक है जी। सुबह के टाइम पे तो पंजाबी बाग वाली रेड लाइट भाई, मतलब यहाँ पे कोई भी ट्रैफिक नहीं होता है, इसलिए यही वाला रास्ता ले लिया। सामने जाओगे तो लेफ्ट साइड पे धोलकवा है, राइट साइड पे रोहतक रोड है, और ये है भाई मोती नगर का फ्लाईओवर शालीमार बाग की तरफ। कितनी देर का मात्र मेरे ख्याल से 10 मिनट का रास्ता रह रहा होगा और हम तो अच्छे खासे बहुत सही टाइम से पहुंच जाएंगे। 8:25 हो रहे हैं इस टाइम पे घड़ी पे, सही है। मगर ये वाला फ्लाईओवर भी बन जाएगा ना, जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है जिसके कारण यहाँ पे दिक्कत होती है, एक बार ये बन गया ना फिर तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, फिर तो यहाँ से धड़ल्ले से जाएगा ट्रैफिक मजे से। अरे ये बेचारी गाय देखो कहाँ पे दौड़ती जा रही है, और इसकी रस्सी भी खुली हुई है, ये देखो बेचारी कितनी दौड़ती चली जा रही है, पता नहीं क्या बात होगी, खैर पालतू ही होगी तभी रस्सी वस्सी बंधी हुई है। जितने भी सारे जो ये डेयरी वाले हैं ना, काफ़ी हद तक गायों को छोड़ देते हैं ऐसे भाई, मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, कोई नहीं, लोग अगर गाय को नहीं छोड़ेंगे तो भाई खिलाएंगे कहाँ पे, मगर थोड़ा सा ध्यान रखो कि गाय कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है, ताकि कोई भी दिक्कत होने से थोड़ी बच सके, जैसे कि ट्रैफिक वगैरह हो की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मतलब बीच रोड में ना आए, जैसे अब देखो साइड में कोने में भाग रही थी ना गाय, तो उस गाय के लिए भी खतरनाक है ये चीज़, और भाई देखो बाकी गाड़ियों के लिए भी चलते हुए खतरनाक है। चलो फ्लाईओवर नीचे आ गया, अंडरपास ले लेते हैं, अंडरपास से नहीं, हम अंडरपास नहीं लेंगे, हम इस बार ऊपर से लेते हैं गाड़ी। चलो चलो जी, आखिरकार भाई टाइम से हम पहुंच गए, टाइम कितना हुआ है? 9:45। दरअसल वो पे ना बीच में एक रेड लाइट थी और रेड लाइट में प्रॉब्लम ये थी कि वो राइट साइड में जो कट काटने वाला रास्ता ना, उसमें लगातार दिखा रहा था कि हाँ भाई, मतलब ग्रीन ही थी। फिर तो वहाँ से इंडियन ऑयल वाला एक गैस वाला भैया आया, उन्होंने कहा कि भैया आप ले लो इस तरफ को, रेड लाइट ख़राब है, तब ली क्योंकि वहाँ पे ना कैमरे भी बहुत सारे थे, तो इसलिए लग रहा था कि कभी लिए और फिर चलान ना आ जाए। चलो कोई नहीं, अब पहुँच गए, ऊपर चलते हैं।
ये कहाँ मेरे पीछे पीछे आ रहा है। चलो ओके बाय बाय। चलो जी लिफ्ट को प्रेस कर देते हैं, लिफ्ट को आने दो, सेकंड फ्लोर पे इस टाइम पे है और जाना है अपने को थर्ड फ्लोर पे। चलो अब चलते हैं और पानी सही लग रहा भाई, चलो ठीक है भाई चलते हैं। अब हम आ गए भाई थर्ड फ्लोर की बैल्कनी में, सही है। चलो अब बस पंडित जी का इंतज़ार है, पंडित जी नहीं पंडितायन जी हैं, चाची कहते हैं उनको यहाँ पे ना सब लोग, तो बस आ रही हैं वो अपने साले साहब लेने गए उनको, तो एक बार आ जाए फिर खा पी के फिर निकलते हैं। लो जी अब हमारी चाची जी तो आ चुकी हैं, बस खाना वाना आएगा और फिर खा के फिर निकलते हैं हम भी। ले लो हमारी चाची ने बड़े प्यार से बनाया है। ठीक है ये हमारे घर का, ये मामा की साड़ी, दो साड़ी, एक दादी की एक मम्मी की, ठीक है नहीं अच्छी साड़ी है ये पेंशन पेंशन गर्मी में पहन लेना अच्छी साड़ी, ठीक है चाची। और ये क्या वन सौ का आपका और ग्यारह सौ का भैया का, आशीर्वाद तो साथ में रहता है ना हमेशा। ऐसा लगे इन दोनों के लिए तो मेरे खाना डाल दिया चाय बना, बहू बनाएगी भाई, बहू बनाएगी चाची की, बना दे भैया पी नहीं। दोनों चाची की जोड़ी कितनी बढ़िया है, ये पंडितायन चाची और वो हमारी चाची। ज्यादा नहीं है आपको ऐसी लग रहा है, अच्छा अच्छा पापा कुछ है अंदर नो? अंदर कुछ है नहीं, मैं चाय दे। चाय पी लो, चाय पी लो, कम कर दे। अरे बहुत कम है, ये कप का डिजाइन ऐसा ऐसा लगता है ज्यादा है। चीनी डाल दी, नहीं डाल दी, डाल दी भाई, बने तो चीनी तो डलती भाई नहीं, वो सुबह ली थी ना चाय, फिक्की पीता हूँ। चलो जी पंडित जी का खाना तो हो चुका है, जोड़े से आए थी चाची जी और चाचा जी, तो अब चलते हैं भाई अपने आगे के काम की तरफ। आज तो यही है, दो दिन हो गए हैं पंचु को अभी तक गैराज में खड़ी हुई है, कोई नहीं खड़े रहने दो, जनरली ना इसमें क्या है फॉर्चुनर निकालने की ना थोड़ी सी आदत भी ख़त्म हो रही थी दिल्ली दिल्ली के रास्ते में, तो मैंने सोचा मैंने कहा यार अब एक काम करते हैं फॉर्चुनर पहले निकालने की ना, मेरे को रेगुलर की आदत थी जो मैं दिल्ली दिल्ली में ड्राइव करता था, तो मैंने कहा चलो अब दोबारा से वो आदत डेवलप करते हैं, क्योंकि आगे ना दोबारा से बड़ी गाड़ी लेने की हिम्मत तभी रहती है अगर आप बड़ी गाड़ी को दिल्ली में ड्राइव करते चले जाओ। अगर आप दिल्ली में ड्राइव नहीं करोगे और छोटी गाड़ी ड्राइव करोगे ना, फिर आपको ये गाड़ी जब भी चेंज करोगे ना तो आलस आएगा थोड़ा सा। खैर मेरे को तो खैर तब भी उतना आलस नहीं आएगा क्योंकि मेरा हाईवे का तो ट्रिप रहता ही है। चलो चलते हैं फटाफट बिना देरी करे हुए। चलो जी इस टाइम पे गाड़ी में ना डीजल खत्म हो रहा है, तो प्रिकॉशनरी डलवा लेते हैं, ज़्यादा तो नहीं डलवाते इस वाले पेट्रोल पंप से, मैं वैसे ज़्यादा नहीं डलवाते इसके ना, ज़्यादा माइलेज अच्छी नहीं आती है, पता नहीं वैसे तो डीजल सबको सेम ही आता है, बट या तो हो सकता है मेरा वहम हो या जो भी है, 1000 रुपये का भरवा लेते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 1500 का भरवा लेते हैं ताकि कभी भी एकदम इमरजेंसी मिलेगी जानी पड़ेगी गाड़ी तो कोई दिक्कत ना हो। भाई मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, वो देखो गाड़ी को किस तरीके से हिला हिला के जो है ना, और उसमें जो उसका डीजल है डीजल को अंदर कर रहे हैं, पता नहीं यार हमने तो आज तक भाई ऐसी गाड़ी हिलाई नहीं, उतरी तो बच्चों को देखो
वो देखो वो ऊपर बैठ के उसमें जा रहे आराम से सनरूफ में से निकल के। पर ठीक है वैसे, पर अगर सेफ नहीं होता है थोड़ा ना बच्चों को, क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज़ हवा वगैरह लगती है ना, तो इसलिए सेफ नहीं होता। बाकी बच्चों को गाड़ी के अंदर ही रखना चाहिए, इसलिए सबसे बढ़िया भैया गाड़ी ऐसी लो जिसमें सनरूफ ना हो, ना चीज़ होगी ना बच्चा जिद करेगा। जैसे इस टाइम पे भाई इकलौती मेरे ख्याल से फॉर्चूनर ऐसी गाड़ी है भाई, इसकी बेल्ट लगा दियो, फॉर्चूनर इकलौती ऐसी गाड़ी है जो कि बिना सनरूफ के इतनी अच्छी सेल करती है। और इस गाड़ी में सनरूफ दे चाहे ना दे, लोग इस गाड़ी को तब भी खरीदेंगे, ये इस गाड़ी का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। चलो कोई नहीं, अब जो है थोड़ा बहुत काम रह गया है, बिटिया रानी को स्कूल से तो ले ही लिया है, अब एक बार वो काम निपटा लेते हैं और उसके बाद में फिर आराम से घर पे खड़ी कर देंगे, क्योंकि घर में फिर ऑफिस का काम भी है, फिर वो आराम से करते चले जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि आज जो है ना फॉर्चुनर को ही लेके चल लेते हैं, पंच को नहीं लेके चलते, क्योंकि आज है फ्राइडे का दिन और फ्राइडे के दिन पे क्या होता है हमारे वहाँ पे मस्जिद वगैरह जो है, तो उसके कारण वो रहता है जुम्मे का दिन रहता है इनका, तो जो जिस दिन जुम्मे का दिन होता है ना उस दिन काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है, और जहाँ पे पंच खड़े होते हैं तो वहाँ पे गैराज में भी ना बड़ी दिक्कत होती है चढ़ाने में। तो मैंने सोचा चलो फिर फॉर्चुनर ही ले चलते हैं आज, इसलिए मैं फॉर्चुनर लेके आया था। चाहे जो भी कहो ये तो अच्छा कर दिया सरकार ने, वो देखो किस तरीके से चित्रकारी कर रखी है एमसीडी ने, और वहाँ पे झाड़ू लगाते हुए पर्सन को दिखा रखा है अपने एम्प्लॉय को, काफ़ी अच्छा कर रखा है। इसी तरीके से ना सारा जो जितने भी ये पिलर्स वगैरह आपको दिख रहे हैं मेट्रो के, ये भी काफ़ी अच्छे पेंट कर दिए हैं। सही है, चलो ट्रैफिक खुला कि नहीं खुला? नहीं अभी तो नहीं खुला है, या खुल गया? नहीं, ऐसी थोड़ी बहुत गाड़ी आगे बढ़ा रहे, चलो चलते हैं आगे की तरफ। ये रहे जी वो बच्चे जो कि अपना जो है ना खेल रहे थे अपना सनरूफ में से निकल के। सही है, चलो दोनों बहने हैं। अब अपना छोटा मोटा काम एक रह रहा था वो भी निपटा लिया मैंने यहाँ पे, अब चलते हैं भाई, एक काम और रह रहा है उसके बाद फिर घर चलेंगे, कुछ चाय पानी पियेंगे, मस्त ब्लॉग को कम्प्लीट करेंगे। तो गाड़ी तो यहीं पर थी, फैमिली बैठी हुई थी अंदर, तो भाई मैंने ना गाड़ी चालू ही छोड़ गया, क्योंकि हीट के कारण ना काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है गाड़ी में। तो चलो अब हम भी बैठ जाते हैं। ये 30 पे कर दिया तूने? अरे तभी मैं सोचू इतनी गर्मी कैसे हो रही है, मैं बिटिया ने इसको इतने ए इसे 30 पे कर रखा था, मैंने कहा अरे ये तूने करा है 30 पे? नहीं नहीं बेटा, तभी तो इतनी गर्मी हो रखी थी। चलो एक बार देखता हूँ यार, खुले पैसे है कि नहीं पार्किंग वाले के भैया के देने के लिए, फिर यहाँ से निकालते हैं गाड़ी पटेल नगर की तरफ। अब इस वाली पार्किंग में ना, ये पार्किंग इतनी ज़्यादा बढ़िया है, जितनी मर्जी गाड़ियाँ यहाँ पे ये अकोमोडेट कर देती है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका सबसे बढ़िया तरीका है इस तरफ से निकालो, ऐसा लगेगा जैसे आप होटल के अंदर की तरफ को जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ना देखो ये मर्सिडीज वगैरह की भी गाड़ी खड़ी होती है यहाँ पे, और वहाँ पे जो सामने आपको रास्ता दिख रहा है ना, वो ऐसा लगेगा जैसे सामने ना होटल है सिद्धार्थ होटल, तो वहाँ से लगता है कि जैसे कि आप उसके अंदर की तरफ कोई ही गाड़ी निकाल रहे हो, बट आप उसके अंदर की तरफ को नहीं निकालते हो, क्योंकि ये कॉमन एरिया है। कॉमन एरिया से ये देखो, ये जो एरिया ऐसा बना रखा है ना, ये ऐसा लगता है भाई गाड़ी होटल वाला एंट्री नहीं देगा, होटल वाला एंट्री नहीं देगा, क्योंकि एंट्री के टाइम पे ना वहाँ पे गार्ड भी बैठा होता है, बट गाड़ी आराम से निकल जाती है मस्त यहाँ पे, क्योंकि एक कॉमन एरिया है। रोड है, सरकारी रोड है, अब इसने अपनी तरफ से करवा रखा होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि होटल वालों को तो अपना अच्छा खासा बना के रखना पड़ता है भाई, अच्छा खासा बना के रखेगा तभी तो लोग आएंगे उसके पास में, मतलब दिखाने वाला बिजनेस होता है। अब एक मिनट ना इसमें देखूं, गाड़ी एक ही बार में कट जाएगी, कट तो गई भाई, कट तो गई 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 गई, चलो मुड़ गई आराम से। बड़ी गाड़ी में ना ये थोड़ा सा रहता है कि जब दिल्ली के रास्ते होते ना, दिल्ली के रास्ते में इधर उधर कट ले के और गाड़ी काटना सब कुछ करना बड़ी मेहनत का काम है, क्योंकि जो यूटर्न्स होते हैं ना, यूटर्न में जिस तरीके से, कभी भी आपने बस देखी होगी ना, बस जब यूटर्न लेती है तो बिल्कुल एक रोड के कोने में से होके फिर यूटर्न लेती है, ताकि वो एकदम आराम से कट जाए, ऐसी फॉर्चुनर में भी है। पूरी की पूरी गाड़ी को जरा एक तरफ कोने में ले जाना पड़ता है, काफ़ी अच्छा गैप देना पड़ता है ताकि गाड़ी आराम से कट जाए।
अब मुझे जाना है उस तरफ, ठीक है मैं अब उस तरफ ले लेता हूँ, मतलब सामने से जो है ना राइट ले लेता हूँ, क्योंकि राइट की तरफ अब मुझे जाना है। वहाँ पे भी दो एक मिनट का काम है, वो निपटा लेते हैं। हाँ तो सुबह से निकले हुए हैं, उसके बाद में भाई ऑफिस का जो भी पेंडिंग काम है वो आज जरूर कंप्लीट करना है। रोज सोचते हैं आज कंप्लीट करना है, अगले दिन फिर कुछ नया नया काम आ जाता है। ये देखो सोसाइटी हो के यहाँ पे ना कैसे बैरियर्स लगा रखे हैं, ठीक है सिक्योरिटी पर्पस के लिए अच्छे खासे बैरियर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। लोज दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पर कंप्लीट करते हैं, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ में। आपको ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, कल मिलते हैं नए दिन के साथ में। आज के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी।